नमस्कार, मेरा नाम है अमान इकबाल। मेरे लाइफ पेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यहाँ पे फिल्म मेकिंग की, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से आता हूँ। मैंने एजुकेशन में, मेरी जो क्वालिफिकेशन है, मैंने ग्रेजुएशन तो साइंस में किया था, बट मुझे फिल्म मेकिंग में धीरे धीरे इंटरेस्ट बिल्ड हुआ। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है मास कम्युनिकेशन में। मैंने डिप्लोमा इन स्क्रीन राइटिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग भी किया है। मैं मुंबई रहता हूँ और दिल्ली रहता हूँ, देहरादून भी रहता हूँ। मैं प्रोजेक्ट्स के हिसाब से अलग अलग जगह पर घूमता रहता हूँ। मैं मुंबई में शिक्षा एंटरटेनमेंट के साथ मैंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर कुछ काम किया है। वैसे मैं फ्रीलांसिंग फिल्म मेकिंग करता हूँ। मैं यूनेस्को के लिए काम कर रहा हूँ। मैं कमर्शियल शूट्स करता हूँ, म्यूजिक एल्बम्स करता हूँ और जो भी अच्छा लगता है वो सब करता हूँ फिल्म मेकिंग। अब मैं आपको बताऊंगा कि फिल्म मेकिंग होती क्या है। फिल्म मेकिंग इज ऑल अबाउट कि तो आपका एक डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को आप स्क्रीन पे कैसे प्रोजेक्ट करोगे, दैट इज फिल्म मेकिंग। आपको स्क्रिप्टिंग से स्टार्ट करना होता है, स्क्रीन पे से स्टार्ट करना होता है, फिर उसको ऑन फ्लोर एग्जीक्यूट करना होता है। उसमें आपको जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं वो यूज होंगे, लाइट्स यूज होंगी, कंटेंट यूज होगा और मैन पावर यूज होगी, एक्टर्स यूज होंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं तो लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यूज होंगी। अगर आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो उसके बारे में उसकी जो रिसर्च होगी वो, और जो भी आप कॉपी राइटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली कमर्शियल शूट के लिए। तो राइटिंग, लाइट सेंस, कैमरा सेंस, डायरेक्शन सेंस एंड देन पोस्ट प्रोडक्शन, ये सारे कॉम्पैक्ट मिलकर बनाते हैं फिल्म मेकिंग। इसमें बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। अब डिपेंड ये करता है कि जरूरी नहीं है कि एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को सारी चीजें आती हुई या सब में इंटरेस्ट हो। तो सबसे पहले आपको चूज ये करना है कि एज अ फिल्म मेकर आप इनमें से क्या करना चाहते हैं। उसके बाद उस पर सही तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप जो उसका प्रोसीजर है उसको फॉलो करना होता है। तो दैट इज कॉल्ड फिल्म मेकिंग। बेसिकली फिल्म मेकिंग जो आप सिनेमा हॉल्स में आके फिल्म देखते हैं, जो आप अपनी टीवी में एड्स देखते हैं, जो इवन जो आप सड़कों पर लगी हुई एलईडी में डिफरेंट अवेयरनेस कैंपेन्स और जितनी सारी चीजें आप स्क्रीन पर देखते हैं, दैट इज कॉल्ड फिल्म। सो अब डिपेंड ये करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आपका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कमर्शियली करना चाहते हैं तो आप जहां पे भी रहते हैं वहां पे बहुत काम होता है, आप वहां पे कमर्शियली भी फिल्म मेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि फिल्म मेकिंग के लिए क्या एजुकेशन जरूरी है। कैमरा एंड इक्विपमेंट्स जो हम फिल्म मेकिंग के लिए यूज करते हैं उसकी नॉलेज होना कितना जरूरी है।